अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। अरे ओए कौन है? वो भाग रहा है, भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। पागल है, पागल है, ये पागल है। हमला करेगा भैया, रुको पकड़ो इसको। दोस्तों आज बड़े दुख के साथ में हमारे को कहना पड़ रहा है, और आज हम एमके की पावर, जैसे आप सामने देख रहे हो, भाई है, मोनू भी है और राधे भैया इस लोकेशन पे है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लोकेशन क्लियर कर दूं, यूपी के अंदर आज चारों भाई हम खड़े हैं और हमारी टीम है जो कैमरे के पीछे है, जो हमारा साथ दे रही है। दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो अजय भैया है स्प्रिट मैन, उनके साथ में बहुत बड़ी घटना हुई है, और देखा ही होगा उनकी वीडियो में कि जो साइको किलर है वो शायद उनको गायब कर चुका है। तो दोस्तों हम चारों जने गए थे, हमारी टीम गई थी, और आपको एक बार गूगल टाइम दिखा देता हूँ। गूगल टाइम शो कर दो दोस्तों, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, जंगलों में 12:23 मिनट हो रहे हैं, देख लो भाई एक बार। और दोस्तों वांटेड व्लॉगर जो है उनकी सारी ऑडियंस सेम है, तो मेरे को भी सभी ऑडियंस जो मेरी बहन है, मेरे भाई है, वो बोल रहे थे यार, मेरी एक मोनिका बहन है, उन्होंने मेरे को बोला था स्पेशल कि भैया आप जो ये भैया आपने स्प्रिट मैन उनके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो एक बार जाके उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो, ये हो। तो दोस्तों मेरे से रहा नहीं गया, मैंने जीतू भैया को, राधे भाई को, सबको फोन करा, हम सारे भाई एक जगह इकट्ठे हुए और हमने जस्ट प्लान करा कि यार हिंटोन निकलेंगे और एक बार पता करेंगे क्या हुआ भाई के साथ में। मेरे आने का कारण बता दो दोस्तों कि यार जब मेरी तबीयत खराब हुई ना, तो अजय भैया ने स्पेशल उनके गुरुदेव से बात करके मेरे लिए कुछ यज्ञ वगैरह करा था, हवन पूजा भी करी थी। तो यार आज जब भाई मुसीबत में है तो ये उसका छोटा भाई कैसे रह सकता था, तो हमने तुरंत सबने प्लानिंग करी सारे भाइयों ने मिलके, और हम पहुंच गए रातों रात उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद पता पड़ा कि जहाँ वो लापता हुए थे ना, वो बिल्डिंग है एक खंडर, और वहाँ पे एक साइको किलर रहता है। जब आसपास से हमने पता करा, अपने अजय भैया की टीम से जब हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि अचानक से लाइट बंद हुई और भैया गायब हो गए, चीखने की आवाज़ आई थी। जब बाहर निकल के हम जो बाहर जो कुछ लोग रहते हैं उस बिल्डिंग के, उन्होंने कहा कि भैया ये जो साइको किन्नर है ना, ये एक तरह का मतलब एक मानसिक रूप से थोड़ा पागल टाइप का है, मतलब ये ऑलरेडी बिल्कुल 100 लोगों की जान ले चुका है, ये बताते हैं 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। और जब हमने पूछा कि यार ये रहता कहाँ है, तो उन लोगों ने बताया वहाँ के पास वालों ने कि यार भैया परमानेंट एड्रेस नहीं इस बंदे का, ठीक है, ये दिन में मार्केट में घूमता रहता है, और रात को इसके रुकने के 2 ठिकाने, एक ये बिल्डिंग जो हम पीछे देख के आए दोस्तों, वहाँ से किसी वजह से हम आपको शो नहीं कर सके वहाँ की लोकेशन, उसके लिए माफी चाहते हैं। और वहाँ से आगे ये पूरा जंगल पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों जंगल में मतलब सबसे बड़ा खतरा जानवरों का इतना बुरा तरीके से है, मतलब कि जो बाबा जी से बात करी थी राधे भाई ने, उन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया था कि आप कम से कम 10-15-20 आदमी जाना, लेकिन हम लोग इस जंगल में आने का कारण है दोस्तों के उन अंकल जी ने हमें बताया था कि उस किन्नर के 2 ही जगह है, मतलब जहाँ पे वो रहता है, एक तो वो जो खंडर था, और दूसरा जंगल के अंदर वो कुछ क्रियाएं करता है, मतलब पता नहीं वो क्या चीज़ है, शैतान है क्या चीज़ है, उसमें कौन सा पागलपन है ऐसा जो वो लोगों की जान लेता है। अब देखना ये है कि अजय भैया के कुछ ऊपर यहाँ पे देखो दोस्तों, 2 चीजों का खतरा बताया है, ठीक है, एक तो बंदरों का और एक टाइगर वगैरह का, और तीसरा सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो है साइको किलर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये उन लाशों के साथ पता नहीं क्या करता है। अब आप लोग भगवान से दुआ करना कि यार अजय भैया सही सलामत हमें मिल जाए और हम उनकी जान बचा लें, और हम यहाँ से तब तक नहीं जाने वाले दोस्तों, चाहे दोबारा आना पड़े आएंगे, लेकिन उनको बचाएंगे। और दोस्तों एक चीज बता दूं मैं आपको स्पेशल यार, कि देखो आज स्पीड मैन भाई के साथ में ये दुर्घटना घटित हुई है, और मैं कहता हूँ कि यार राधे भाई के साथ जो हुई थी, राधे भाई ने बताया कि वो भी उन्होंने मतलब उनकी काफी हेल्प करी, हर किसी को करनी चाहिए यार, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई चीज नहीं है, इंसानियत मतलब कोई। मेरे भाई वांटेड व्लॉगर अगर देख रहे थे, और उनसे आपका भाई राधे स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार आप भी जितना हो सके आपके स्तर पे अजय भैया की हेल्प करो यार, बिल्कुल वीडियो बना कि उनको सपोर्ट कर सकते हो यार, कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। उनको नहीं पता, लेकिन जब वो मिल जाएंगे तो वो आप पे प्राउड करेंगे कि यार मेरे साथ उनकी फैमिली वाले या उनके जो कैमरामैन है वो सारे जने, अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे तो उनका एक मोटिवेशन बनेगा यार, कि आपके अपने बेटे उनकी माँ उनके पापा अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनका एक मोटिवेशन बनेगा कि यार मेरे बेटे के साथ में इतनी बड़ी फैमिली है, इतना बड़ा परिवार है, इतने दोस्त है जो मतलब उनको अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत जल्द उनका बेटा घर पे लौटे मेरे भैया का, और आपके भाई राम प्रभु से ये प्रे करता हूं अजय भैया से घरेलू
टू टर्म से बिल्कुल, उनके फैमिली मेंबर से उनसे सबसे हमारी बात होती है। वो मेरी तबीयत खराब हुई तो मिलने भी आए थे, उनकी हुई तब हम भी गए थे। तो यार देखो वो हमारे से भाई से भी बढ़ के रिश्ता है हम दोनों का उनसे, ठीक है। और मोनू भैया से भी उनकी बात हो चुकी थी, उसके बाद जब घर पे आए तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो यार एक रिश्ता एक अटैचमेंट हो चुकी है। तो यार देखो ये कोई व्लॉगिंग या वीडियो नहीं है, एक हॉन्टेड लोकेशन नहीं है। आज हम कुछ टेंशन में, हम सबके फेस देख रहे हैं आप उतरे हुए, हम सबके मुंह उतरे हुए क्योंकि हमारा भाई परेशानी में। तो यार भगवान से दुआ के अजय भैया जहाँ भी हो सही सलामत हो। मैंने एक वीडियो डाली थी, मेरे को पता नहीं था, फिर बाद में मैंने वीडियो देखी थी तो मेरे पास कमेंट आए थे ना जैसे कि भैया एक बार हमें उसके स्टेटमेंट भैया के बारे में पता करो, ये वो उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। मैं एकदम शॉक में आ गया था कि अरे हुआ क्या आखिर उनके साथ में। जैसे मैंने वीडियो देखी मेरा खुद का मतलब मूड हो गया, दोस्तों आप लोग दुआ करना यार कि हम सब भाई सेफ निकले और हमारा जो स्टेटमेंट भैया है वो भी यार सेफ आए वहां से। चैनल पर थोड़ी सी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अरे भाई इसकी जरूरत नहीं है, वीडियो लाइक की किसी की जरूरत जरूरत नहीं है, कुछ मत करना भाइयों। बस दिल से दुआ करना श्री राम प्रभु से, श्री श्याम बाबा से, कृष्ण भगवान से कि भाई जो अपना अजय भाई है सही सलामत मिल जाए भाई यार, क्योंकि वो अपनी एक माँ का बेटा है, उसकी माँ पे क्या बीत रही होगी आज इस टाइम पे। सर दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि यार सबके लिए दुआ करते हो तो हमारे लिए भी दुआ कर देना थोड़ी, कि हम सेफ निकल जाए, सेफ निकल जाए और अजय भाई जो है वो भी सेफ आ जाए यार। बस मैं यही प्रे करता हूँ मेरे श्री राम प्रभु से। दूसरे को ध्यान रखना है ना दोस्तों, वही पे चलते सत्या भाई स्पेशल आपको इसीलिए लाए हम, ठीक है। खुद की सेफ्टी भी अपने यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये जीत भैया ये जंगल राजस्थान वाला नहीं है, याद रखना। भूल में वाला जंगल है, बहुत खतरनाक। मेरे को काफी डरावना लग रहा है। देखो दोस्तों लोकेशन देखो आप, चारों तरफ घुमा जंगल है। अब देखना ये है कि वो साइको किलर हमें कहाँ मिलता है। और एक चीज जीतू भैया उन अंकल जी ने बताई थी, वो कुछ आग वाग जला के कुछ तांडव करता बताया, ठीक है। मोनू भैया आपको मालूम है कि इनकी टीम से मेरी बात हुई पर्सनल, तो किन्नर के लिए क्या बोला उन्होंने कि वो किन्नर कच्चा मांस तक खा जाता है। और अंकल जी ने भी एक बात बताई थी मुझे भी कि यार वो जंगल में ना आग वाग जला के कुछ है ना, पता नहीं कुछ तांडव वगैरह जैसा वो करता आग है। जला के तांडव भी करता है और कच्चा मांस खाता है उस पे सेक के, मतलब है कोई इंसान भी होता है कि वो आदमी कहीं एक दो ज्यादा तीन चार पांच हो गई क्या है, अपने कोई पता नहीं, अपना साधन नहीं है मेन चीज अपने पास में कोई इम्पोर्टेंट नहीं। अभी अपन चार तो अपन है, चार दो तीन सात बंदे तो अपन भी है, ठीक है। नहीं है बस देखो पूरी सेफ्टी रखना, मैं तो एक चीज मानता हूँ खुद की सेफ्टी खुद रखेगा। आवाज आ रही है यार, आवाज आ रही थी ताली बजाने की। हाँ। सुना आवाज आई, वो ताली बजा रहा है। हाँ। इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, देखो देखो इधर से आवाज आ रही है, इधर से अभी भी ताली की आवाज आ रही है। इसके वहाँ कौन है उस पेड़ के पीछे, इधर इधर लेफ्ट 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 वो बड़ा सा पेड़, उसके पास चलो ध्यान से, डरने की जरूरत नहीं किसी को, ठीक है। और जानवरों का ध्यान रखना, पेड़ देखो कितना खतरनाक है यहाँ पे, है ना। बंदरों के लिए बोला है उन्होंने, लाइट फुल रखनी है सबको, भाइयों को है ना, सबको लाइट फुल रखनी है, बंदर हमला कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ये पेड़ देखो यार, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा कुछ, देखो यहाँ पे कोई करके गया है कुछ ना, इस तरफ आओ इस तरफ जल्दी से, इधर उधर सारी इधर फटाफट से, यहाँ पे कुछ करा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ जो बंदे ना लाल कपड़े वो किसी चीज के है भैया, वो यही पे है ना, ये निशान है उसके, है ना, यही पे है वो, देखो देखो खड्डे को देखो, वो है ना थोड़ा पागल है ना, ट्राई को वो माइंड से आया ऐसे लग रहा है ना, वो जितनी आवाज आ रही उधर से दीवार आ गई, दीवार वो जो अंकल जी ने बताया, अंकल जी ने बोला दीवार के उस तरफ रहता है वो, उस तरफ है वो, क्योंकि यहाँ तक है ना लोग उसके पीछे आए हुए, उसके बाद है ना आगे गए ना कुछ लोग, उसी बार लोगों ने उसका पीछा करा था, एक बार वो किसी बच्चे को उठा के ले गया था, उसने हमला करा बच्चे को तो चला लिया, लेकिन इसके आगे नहीं जाने दिया लोगों ने, ताली की आवाज सुनाई दे रही ना, तालियां पीट रहा है जैसे, तालियां पीट रहा है, आगे बचो सूर्य भाई आगे बचो, दिख रहा भैया वो दिख रहा, दिख रहा सत्या भाई पीछे ही रहना है, ठीक है। भैया उनके साथ साथ में अपनी खुद की ये दीवार ऐसे मान लो भाइयों की, इसके आगे जाना खतरा है, ठीक है। तो ये दीवार क्रॉस होते सबको भी
पीछे जाओ, पहले प्लानिंग करते हैं। पीछे हो सब, पीछे जाओ, पीछे जाओ सब, पीछे पीछे हो, पीछे हो। वो व्हाइट सा है कुछ ना कुछ, पीछे हो जाओ, कुछ ना कुछ है भी। जाओ दौड़ के, वो हाथ बंद हो गई। तरीके से पकड़ना जूतू जी उनको, है ना, अरे ड्रिफ्ट में आए तरीके से। आराम से आना, पूरा डर रहा है। सेफ्टी से देखो, घूमते घूमते मुझे ऊपर जाओ, फटाफट ऊपर जाओ सारे। हाँ ऊपर कवर करो, आ जाओ आ जाओ, बोलना मत। एक मिनट, डांस डांस जूतू कैप्चर करेंगे उसको, कैप्चर घूम करें, कैप्चर करो। इधर आ जाओ, आगे जाओ, नीचे जाओ, सब नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। ये किन्नर का, आगे जाओ भैया, इधर आगे जाओ भैया, आगे जाओ आगे। लाश की तरह पड़ा है यार, वही घूम तो रहा है यार कोई। जीतू भैया थोड़ा आगे चलते हैं यार, ध्यान से ध्यान से, थोड़ा आगे चलो, आगे चलो, आगे 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 चलो आगे। हाँ यही से कैप्चर करो उसको, है ना। वो के मेरे यहाँ आया था भाई, कि मेरे वो ये आगे मत जाओ यार कोई। रोज भाई इधर आओ, आगे आओ, वो देखो भैया इधर दिख रहा है, पागल ही है यार ये कोई। जीतू भैया साइको, साइको यही है, साइको किन्नर है। आप ये देखो अजय भैया कहाँ है, अजय भैया उधर ही है। घूम रहा है चारों तरफ, क्या कर रहा है घूम के, है ना। वो ये पता करते कि वो अजय भैया पे है क्या। सत्य भाई साइड में रहो, सत्य भाई थोड़ा पीछे जाओ, पीछे आगे मत जाओ, पीछे मत ज्यादा आगे मत जाओ। जानवर अलग हो रखे हैं यार दोस्तों, यार देखो जो अजय भैया को जो साइको किलर उठा के लेके गया ना दोस्तों, ये वो ही है। लेकिन यहाँ आसपास कहीं अजय भैया नजर नहीं आ रहे हैं, इधर ही आ रहे, नहीं आएगा इधर, नहीं आएगा वो, इधर ही आ रहे। चुप रहो चुप रहो, इसके साथ और भी है यार जीतू भैया, कोई नीचे छुपे हुए ना, है ना। हाँ इस पहाड़ी से ऊपर नहीं जाएगा कोई साइड में, पता करता है यहाँ पे है नहीं है, मैं बात करूंगा अभी इससे। नहीं नहीं इधर ही आ रहा है, नहीं नहीं घूम रहा है, ये घूम रहा है। अजय भैया की जान बचानी है, 12:52 में पहले रुक जाओ, रुक जाओ पहले, उसकी तो देख ले वो क्या कर रहा है। अजय भैया को उसकी सुनो, पहले चुप करो, अजय भैया को उठा रही है, देखो देख देख कर क्या रहा है। जीतू भैया इसने अजय भैया से कुछ मांगा वांगा तो नहीं है, पैसे वैसे पत्थर फेंकू क्या। नहीं नहीं पैसे मांगे इसने, उसने दिए नहीं होंगे शायद, हो सकता है। वो इससे पता करना है भैया है कहाँ। अपने बात करी ना, बता देता हूँ, जो पैसे मांगते हैं, जो पैसा देता नहीं है ना, तो उसके सिर में पत्थर या डंडा ऐसे कुछ मार देती है, लोहे का सरिया वगैरह। मुझे देखो तालियां पीट रहा है जितू भैया, रुको तालियां पीट रहा है। कैमरे सब इधर कर लो, इधर कर लो, है ना, ठीक है, ध्यान से। पीछे जाओ, देखो उसको, यहीं से देख लो उसको, इधर आओ भैया, इधर आओ, आगे जो एक बार कवर कर लेते हैं। वो भाग रहा है, भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो, पागल है, पागल है, ये पागल है। भैया रुको, ध्यान से
पागल है, रुको पागल है भाई, लग जाएगी लग जाएगी, ध्यान से। अब पागल लग रहा है मेरे को तो ये। अरे भाई अजय, अजय भैया कहाँ है? अरे वो अजय भैया कहाँ है? भाई ये पत्थर की लग जाएगी किसी, तालियां पीट रहा है ये। अरे भाई अजय कहाँ है? अजय, अजय कहाँ है जिसको उठा के लाया तू? इसकी जीत गया, भागो पकड़ो। अरे किसी की लग जाएगी, मेरी बात सुनो अपने में। अरे इसे पूछेंगे तो सही ना यार, इसको पूछेंगे तो सही। अजय कहाँ है? ये पहाड़ी का फायदा उठा रहे ऊपर रहने का। जा रहा है उसको जाने दो, साले इसको पीछा करेंगे, रुक जाओ इसको जाने दो भैया, इसको पीछा करो। मेरी बात सुनो, हो सकता है कोई और भी इनके साथ में। आगे है ये, तभी आगे जा रहा है ये। आवाज क्या आवाज मार रहा है आने के लिए भैया? वो क्या कह रहा है? लाया वो बता कहाँ पे है? बोल नहीं रहा है। अबे साले बता, चला जाए यहाँ से। अजय भैया कहाँ है हमारे? अरे कहाँ जा रहा है? सुनो इसको जाने दो, पीछा करेंगे इसका, पीछा करो इसका, पीछा करो, नहीं तो ये बताएगा नहीं। यार दोस्तों निकलते हम लाइट ऑफ करके इसके पीछे जा रहे हैं, क्योंकि ये चौकन्ना ना हो, ठीक है ना जितने भैया? सही है भैया, वो गया आगे गया वो, ठीक बस बस अब यहाँ प्लानिंग करके चलेंगे। लाइट बंद कर दे दो, फिर एक बार इसका पीछा करते, कहाँ तक जाएगा ये? कहाँ तक जाएगा? क्योंकि ना अजय भैया की जिंदगी खतरे में है, वास्तव में इसका रूप देख लिया मैंने। वो मेरी मानो ना, नीचे किससे बात कर रहा था? जल्दी आओ नीचे आओ फटाफट से। चलो भाई अभी बंद करो, कैमरा बंद करो, पहले वहां चलेंगे, ठीक है? अजय भाई की टीम से मिलेंगे, बंद कर दो भाई कैमरा।